तो कैसर बहुत दिनों बाद हमने अपना पूरा का पूरा घर साफ कर दिया है। आप देख सकते हो शिनचैन और मैं सुबह से लगे हुए हैं, अभी भी अपने पूरे घर को साफ कर रहे हैं। शिनचैन वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा है और मैं ये सारी की सारी चीजें साफ कर रहा हूँ। और कैसर आप देख सकते हो चॉप भी हमारा बड़ा हो चुका है और वो देखो यार कितना अलग हो चुका है। पहले वो एक रॉटवीलर था, अब वो पिटबुल बन गया। पता नहीं कैसे रॉटवीलर बड़े होकर पिटबुल बन जाते हैं, मुझे पता नहीं था, पर अभी हमारा घर पूरा का पूरा साफ हो चुका है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा घर हमारा चमक चुका है, बिल्कुल जैसा हमारा घर लग रहा है। फटाफट से कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा है हमारा घर। अरे हेल, तुम पागल हो गए हो, अपने रूप में आओ, क्या कर रहे हो, हमें एवेंजर्स को क्यों मार रहे हो? हल को बहुत गुस्सा आ रहा है, हल किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे हल, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? हल पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा, हल किसी को नहीं छोड़ेगा। रुक जा हल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लॉस सैंटोस को तबाह करने नहीं दूंगा, चल मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, हल्क बस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आयरन मैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा था तुम मान जाओगे, पर तुम नहीं माने, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लो सारी की सारी मिसाइल्स खाओ, ये लो ये लो ये लो। अरे ये क्या हो रहा है, हमारे घर में मिसाइल कहाँ से गिर रही है? ये लो हल्क, अब तुम नहीं बचने वाले, ये लो। अरे कैसर बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, कहीं से मिसाइलें गिर रही है हमारे घर के ऊपर, मुझे समझ नहीं रहा कहाँ से मिसाइलें गिर रही है। शिनचैन, अरे शिनचैन बेहोश हो गया, शिनचैन उठ जा। अरे ये तो अभी भी मिसाइलें फटी थी जा रही है, कौन मार रहा है मिसाइलें हमारे घर के ऊपर, मुझे समझ नहीं रहा। शिनचैन उठ जा, क्या हो गया तेरे को? तो कैसर अभी यार शिनचैन तो नहीं उठ पा रहा और लगता है मिसाइलें बंद हो चुकी है, पर मेरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। आप देख सकते हो ये क्या चल रहा है, मेरे पूरे घर पे इतनी मिसाइलें गिरी, मेरे पूरे घर की हालत खराब हो चुकी है। और यहाँ पर एक कितनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, मेरा पूरा स्विमिंग पूल खराब हो गया। और यहाँ पर तो आग भी लग चुकी है, पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा है, इतनी सारी मिट्टी निकल रही है, क्या करूँ, किसने फोड़ दिया ये? मेरा पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, शिनचैन भी उठ नहीं रहा, शिनचैन उठ जा, किसने किया ये सब? अरे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो किसी का घर था, मैंने इसके ऊपर हल्क को मारा तो इस घर की पूरी हालत खराब हो गई। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? अरे किसी ने हमारे घर की हालत खराब कर दी, मिसाइलें मार मार के शिनचैन को भी मार दिया, मैं क्या करूँगा? अरे ये मैंने क्या कर दिया, इसकी मैंने पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी बात सुनो, उठ जाओ। अरे तुम तो आयरन मैन हो, आयरन मैन देखो पता नहीं किसी ने मेरे घर पे मिसाइल मार मार के पूरा का पूरा खराब कर दिया, तुम तो सुपर हीरो, मेरी मदद करो, उसको पकड़ के लाओ जिसने ये सब किया है। मेरी बात सुनो, ये मेरी गलती है, ये सब मैंने ही किया है, हल्क और मैं लड़ाई कर रहे थे, हल्क पागल हो चुका था इसलिए मैं उसको मार रहा था और तुम्हारे घर पर मिसाइलें गिर गई। क्या ये सब तुमने किया है, तुम तो एक सुपर हीरो, एक सुपर हीरो ने मेरे घर की पूरी हालत खराब कर दी, तुम सुपर हीरो नहीं, तुम सुपर विलन हो, तुमने शिनचैन को भी मार दिया। मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे, मेरे पूरे घर की हालत खराब हो चुकी है, शिनचैन की भी हालत खराब हो चुकी है, अब ये सब ठीक नहीं हो सकता, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। जार्विस, सारे के सारे एवेंजर्स को फोन करके इधर बुलाओ। अरे अब एवेंजर्स से करेंगे, वैसे तुमने मेरा घर तबाह कर दिया है, अब वो के पूरा लॉस सैंटोस तबाह करेंगे। नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे घर को वापस बनाने में। जार्विस, सारे के सारे एवेंजर्स को बुलाओ। अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? शिनचैन उठ जा। तुम टेंशन मत लो, सबका सब ठीक हो जाएगा। अगर सबका सब ठीक नहीं हुआ ना, मैं पूरे लॉस सैंटोस में बता दूंगा कि आयरन मैन एक विलन है। कैसर फटाफट से कमेंट कर दो, आयरन मैन एक खतरनाक सा सुपर विलन है जो कि लॉस सैंटोस को खत्म करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं विलन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो सबके सब कमेंट कर देंगे तुम एक सुपर विलन हो, ना कि एक सुपर हीरो। जल्दी एवेंजर्स को बुलाओ। ये लो फ्रैंकलिन, सारे के सारे एवेंजर्स आ चुके तुम्हारी मदद करने के लिए। ओ एवेंजर्स, मेरी बात सुन लो, मेरा घर पूरा का पूरा ठीक हो जाना चाहिए, वरना मैं लॉस सैंटोस में बता दूंगा कि तुम सब के सब सुपर विलन हो, तुम लॉस सैंटोस को बचाना नहीं तोड़ना फोड़ना चाहते हो। अरे तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे घर को पहले से भी खतरनाक कर देंगे।
हाँ, हम तुम्हारे घर को अपग्रेड करने वाले हैं खतरनाक से एवेंजर्स मेंशन में। ओ, एवेंजर्स मेंशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे फ्रैंकलिन मेंशन चाहिए। अरे फ्रैंकलिन, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर को हम पूरा अपग्रेड करने वाले। तो जल्दी सब के सब काम पे लग जाओ, और शिनचैन का क्या होगा वो बताओ। अरे फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें $1 million देता हूँ, तुम शिनचैन का जगह इलाज कराओ। क्या $1 million? हाँ, $1 million। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम शिनचैन को लेके जाओ और इसका इलाज कराओ, जब तक हम तुम्हारे घर को ठीक करते हैं। अच्छा ठीक है चलो काइजर, फटाफट से शिनचैन को लेके चलते हैं, फटाफट से $1 million दे दो। तो काइजर, अभी आप देख सकते हो मुझे मिल चुके हैं $1 million, और शिनचैन को मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर बिठा लिया है। ये आयरन मैन की गाड़ी बहुत ही सारा खतरनाक है। चलो काइजर, फटाफट से शिनचैन को हम जाके इलाज करवाने वाले, हमें $1 million मिले। इसका इलाज तो मैं सोच रहा हूँ 100-200 में करा दो, उसके बाद जितने पैसे बचेंगे वो अपने पास ही रख लूंगा, जब तक आयरन मैन और वो सारे एवेंजर्स मेरे घर को ठीक करते हम फटाफट से शिनचैन का इलाज करवा के आते हैं। सारे के सारे एवेंजर्स मेरी बात सुनो, हमें फ्रैंकलिन के घर को पूरा खतरनाक बनाना पड़ेगा, पहले से भी बहुत खतरनाक। सबसे पहले तो जितनी आग लग रही है और ये पत्थर इस घर में आ चुके हैं, इन सब को हटाओ। पहले हम पूरे घर को क्लीन करेंगे, उसके बाद अपग्रेड करेंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो काइजर, अभी हम हॉस्पिटल में आ चुके और शिनचैन को हमने यहाँ पर एडमिट करवा दिया है। डॉक्टर्स मेरी बात सुनो, तुमको शिनचैन को ठीक करना होगा, उसके मैं तुम्हें $1,00,000 देने वाला हूँ। $1,00,000? ये तो बहुत ही ज्यादा है। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप रिसेप्शन पे पेमेंट कर दीजिए। हाँ, आप इसको ठीक करो, मैं रिसेप्शन पे पेमेंट कर देता हूँ। तो काइजर, वैसे तो आयरन मैन ने मुझे $1 million दिए थे, पर शिनचैन $1,00,000 में ठीक हो जाएगा, इसलिए बाकी के पैसों से हम खुद के लिए एक नई नई कार खरीद सकते हैं। अब यार आयरन मैन ने हमारा पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इतना तो बनता है। चलो फटाफट से पेमेंट करते हैं और फिर हम अपनी नई नई गाड़ी खरीदेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ये लो अंकल, आपके $1,00,000 और शिनचैन को ठीक कर देना, फिर मुझे फोन कर देना। चलो काइजर, अभी हमने उनको $1,00,000 दे दी, अभी मेरे पास $9,00,000 पड़े, उससे मैं अपने लिए नई नई गाड़ी खरीद सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं। एक सेकंड, किसका फोन आ रहा है? हाँ आयरन मैन बोलो। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर को अपग्रेड करने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है, तो हमारी लकड़ी लेके आओ। अरे मैं कहाँ से लेके आऊँ, खुद लेके आऊँ ना। अरे फ्रैंकलिन जल्दी से ले आओ, बहुत जरूरत है। अरे मैं नहीं लेके आने वाला, तुमने मेरा घर थोड़ा खुद लेके आओ। अच्छा ठीक है, तो फिर शिनचैन के इलाज के बाद जो $9,00,000 बचे वो वापस दे दो। क्या $9,00,000? कौन से $9,00,000? अरे फ्रैंकलिन मुझे सब पता है, अगर तुम्हें वो $9,00,000 चाहिए तो हमें लकड़ी लाके दो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लकड़ी लाके देता हूँ, अभी के अभी लाके देता हूँ। अरे काइजर, आयरन मैन के बच्चे को पता चल चुका है कि मैंने शिनचैन का इलाज सिर्फ $1,00,000 में करवा दिया और बाकी के $9,00,000 मैं रख रहा था, पर उसको पता चल चुका है। तो काइजर, अगर मुझे $9,00,000 रखने हैं तो यार मुझे इनके लिए लकड़ी लाके देनी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से चलते हैं, बहुत सारी लकड़ी लाते हैं हमारे घर के लिए, ताकि वो मेरे घर को अपग्रेड कर पाए। तो अभी हमें यार लॉस सैंटोस से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियां लॉस सैंटोस से बाहर मिलती है। चलो फटाफट से चलते हैं लकड़ियां लेके आते। तो काइजर, अभी तो मेरे पास सिर्फ $9,00,000 है, पर मेरा सपना है, मेरे पास $900 million हो, वो सपना आप मेरा पूरा करने में मदद कर सकते हो। आप यार थोड़ा थोड़ा पैसे दान दे सकते हो, मतलब यार आपको सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करोगे $1 million, तो मेरे बैंक अकाउंट में $1 million आ जाएंगे। तो अगर आप सबके सब लोग बहुत सारे पैसे कमेंट कर दोगे, तो वो सारे के सारे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। फिर किसी न किसी दिन तो $900 million हमारे पास हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी कर पाएंगे। तो फटाफट से कमेंट कर दो, जितने भी आपके पास हो, जितने भी आप कमेंट कर सकते हो उतने कमेंट कर दो। $100, 1000, 1 lakh, 1 million, जितना हो सके कर दो, ताकि मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएं और अपन फटाफट चलते हैं लकड़ियां खरीदने। तो काइजर, अब हम आ चुके हैं जहां पर मिलती है लॉस सैंटोस में लकड़ियां। यहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलती है, तो हमारे घर के लिए हमें सबसे अच्छी लकड़ियां चाहिए। तो आप देख सकते हो इनके पास पूरा लकड़ियों का पूरा स्टॉक है। अंकल क्या ले? आइए सर, लकड़ियों के लड़के के लड़के की लड़कियों के लकड़ियों में आपका स्वागत है। किसमें स्वागत है? लकड़ियों के लड़के के लड़के की लड़के के लकड़े में। चलो ठीक है, मुझे अपने घर के लिए लकड़ियाँ चाहिए, सबसे अच्छी लकड़ी आपके पास कौन सी है? सर ये जो सामने लकड़ियाँ हैं, ये आपको मिलने वाली है $900 की एक लकड़ी। क्या
$900 की एक, और ये वाली कितने की है? ये आपको मिलेगी $600 की एक। और ये वाली? ये वाली हमारी सबसे महंगी लकड़ी है, $1500 की एक लकड़ी। अरे कायसर की लकड़ी है तो सही में बहुत ही ज्यादा महंगी है, $1500 की एक लकड़ी। और हमारे पास सबसे सस्ती वाली भी है, $100 की एक लकड़ी। $100 की? कायसर मैं सोच रहा हूँ $100 वाली ले लूं, फिर हमारा घर यार बहुत ही ज्यादा चीप चीप हो जाएगा, और मेरे पास $900 भी तो पड़े। और आप यार सबके सब कमेंट करोगे बहुत सारे पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में और भी पैसे आ जाएंगे, तो मुझे लगता है मुझे सबसे महंगी वाली खरीदनी चाहिए। और ये कितने की है? सर ये लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, हम ऐसे किसी को देते नहीं है। ये है $5000 की एक लकड़ी। क्या 5000 की? ये तो सही में बहुत ही ज्यादा महंगी है। अरे कायसर इनके पास $5000 की लकड़ियां हैं। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 5000 वाली लकड़ी खरीदूं या फिर 1500 वाली। कौन सी खरीदूं? कायसर वैसे भी हमारा घर यार एक ही बार तो अपग्रेड होता है, तो क्यों ना सीधा 5000 वाली खरीद ली जाए। अंकल मुझे 5000 वाली खरीदनी है, बताओ कितने में दोगे? सर आपको कितनी लकड़ियां चाहिए? मुझे चाहिए 100 लकड़ियां। मुझे चाहिए 100 लकड़ियां। 100 लकड़ियां? 5000 की 100 लकड़ियां आपको मिलेगी सिर्फ $500,000 में। क्या $500,000? अरे कैसे मेरे पर $900,000 है, उसमें से सीधा सीधा 500,000 कट जाएंगे, फिर सिर्फ 4,00,000 बचेंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे वो दे दो। ओके सर अभी पैक कर देता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी पैक कर दो। ये लो सर आपकी सारी लकड़ियाँ पैक हो चुकी है, आप इनको लेके जा सकते हैं। तो कैसर अभी आप देख सकते हो इस पूरे ट्रेलर में मेरी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर पैक हो चुकी है। सर ये 10 लकड़ियाँ हैं, आप इनको लेके जाइए, बाकी की 40 लकड़ियाँ आपके घर पर पहुँच जाएगी। अच्छा ठीक है, तो कैसर ये 10 लकड़ियां जिनको मैं लेके जाने वाला हूँ अपने घर पे, बाकी की 40 लकड़ियां हमारे घर पर पहुंच जाएगी। चलो फटाफट से इनको लेके चलते, पेमेंट हमारी हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ $400,000 बचे हैं। इस गाड़ी को छोड़ देते क्योंकि आयरन मैन की गाड़ी, मेरे को क्या करना है। तो कायसर फटाफट से इनको लेके चलते अपने घर पे और आयरन मैन और सारे एवेंजर्स को लकड़ियां दे देते ताकि वो हमारे घर को अपग्रेड कर पाए। उसके बाद $400,000 से हम अपने लिए, पहले मैं एक कार खरीदने वाला था क्योंकि कार आ सकती थी 900,000 में, पर अब हमें सिर्फ 400,000 बचे, सोच रहा एक बाइक खरीद लूं खतरनाक, वो तो जाके हम शोरूम पर देख ही लेंगे। अभी फटाफट से लेके चलते हैं, सारी की सारी लकड़ियों को डिलीवर करते हैं। तो कायसर अभी हम अपने घर पर पहुंचने वाले, सामने अपने घर पे पहुंच गए। और ये क्या? अरे यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई, वहाँ पे धुआं निकल रहा है। अरे आयरन मैन अभी तो कुछ किया नहीं क्या तुमने? आओ फ्रैंकलिन आओ, सारी लकड़ियां तुम ले आए। अरे लकड़ियां तो मैं ले आया पर अभी तक काम शुरू हुआ है, और ये बाहर कैसे आग लग गई? अरे हम तुम्हारा पूरा का पूरा घर साफ कर रहे हैं, उसके बाद अपग्रेड करेंगे। अरे रुक जाओ मुझे देखने दो। नहीं फ्रैंकलिन तुम अपने घर को नहीं दे सकते, एक बार पूरा का पूरा घर बन जाए फिर देखना। अरे ऐसे तो ना होता है, मुझे अपने घर को देखना है। नहीं फ्रैंकलिन तुम अपने घर को नहीं दे सकते, अबे यहाँ से जाओ। अरे ये अलग ही इन्होंने कर रखा है, ये लो तुम्हारी लकड़ियाँ तो ले लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। मेरी बात सुनो, अब हमारे घर के लिए हमें मिट्टी भी चाहिए, तो तुम मिट्टी लेके आओ। अरे तुमने क्या मुझे नौकर समझ रखा है, कभी लकड़ियाँ लेके लाओ कभी मिट्टी लेके आओ। अरे फ्रैंकलिन जल्दी जाके लेके आओ। अरे ठीक है लेके आता हूँ यार। चलो कैसे फटाफट से चलते, अभी हम लकड़ियाँ तो लेके आ गए, अब हमें मिट्टी चाहिए अपने घर को अपग्रेड करने के लिए। मुझे लगता है इनको सीमेंट वीमेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए ये लोग मिट्टी मांग रहे। तो चलो यार फटाफट चलते बहुत सारी मिट्टी लेके आते, मुझे लगता है मेरे सारे के सारे पैसे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो कायसर कमेंट करना मत भूलना, पैसे यार मेरे बैंक में डालना मत भूलना, जितने हो सके उतने डाल देना। चलो फटाफट चलते मिट्टी खरीदने। तो कायसर अभी हम आ चुके अपने लिए मिट्टी खरीदने अपने घर के लिए, और यहाँ पर बनती है सारी की सारी लॉस सेंटोस की मिट्टी। आप देख सकते हैं कितनी सारी मिट्टी है। चलो फटाफट से इनसे बात कर लेते हैं। अंकल फटाफट से 3 ट्रक पैक कर दो मिट्टी भर के। अरे सर मैं पैक तो कर देता पर हमारी मिट्टी वाली मशीन खराब हो चुकी है। क्या खराब हो गई? अरे ऐसे कैसे खराब हो गई? अरे सर क्या बताएं, हम जानवरों से बहुत ही ज्यादा परेशान है। जानवरों से परेशान है? हमारी मिट्टी वाली मशीन के वहाँ पर बहुत सारे बंदरों ने कब्जा कर लिया है। उस मशीन को चलाने के लिए उसका लीवर ऊपर करना पड़ेगा, और हमारी पूरी बिल्डिंग पर बंदरों का अटैक हो चुका है। जब तक उस लीवर को ऊपर नहीं करते मिट्टी बनना शुरू नहीं होगी। अरे तो बंदरों से कौन डरता है, जाके उनको मारो उनको भगाओ। अरे सर ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदर बहुत ही खतरनाक है। अरे बंदर कौन से खतरनाक होते हैं यार? सर मेरी बात सुनो, अगर आप उस सारे के सारे बंदरों को भगा के उस लीवर को ऊपर करते हो तो मैं आपको 3 ट्रक मिट्टी के दूंगा, पर पैसे सिर्फ 2 के लूंगा। क्या मतलब 1 ट्रक मिट्टी का फ्री? हाँ सर, उस सामने 3 ट्रक पड़े पूरे के पूरे भर के।
दे दूंगा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, आप टेंशन मत लो, उन सारे बंदरों को मैं भगाऊंगा। तो कैसर बस मुझे बंदरों को भगाना है यहाँ से और उस लीवर को चालू करना है, फिर मुझे एक ट्रक मिट्टी पूरी पूरी फ्री मिलने वाली है। चलो फटाफट से चलते हैं, हमें इधर ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि हम उनको भगा पाए, फिर ऊपर चढ़ने का रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा। तो कैसर अभी मुझे ऊपर जाने का रास्ता पे सीढ़ियां यहाँ पर दिख चुकी है और यहाँ पे मुझे एक बंदर भी दिख चुका है। इस बंदर की ऐसी की तैसी, इसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी बनना बंद हो गई है। केले तो कैसर इस बंदर को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे कर करके मुझे सारे बंदरों को मारना पड़ेगा ताकि मैं उस लीवर को वापस से चालू कर पाऊं। और आप देखो सामने कितने सारा बंदर है, चलो फटाफट से यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि मैं उस लीवर को कर पाऊं। और सामने जस्ट बंदर खड़े, दो बंदर मेरे जस्ट सामने, पहले उस वाले को मारते ताकि मैं कोई देख ना पाए, और ये क्या आगे और भी बंदर खड़े, चलो फटाफट जाते हैं। ये ले तो कैसर मेरे पास एक खतरनाक से पत्थर भी है, तो मैं पत्थर मार मार के इन बंदरों को मार सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इजी होगा, उनके पास जा जाके बहुत ही मुश्किल होगा, इन पत्थरों से फेंक के मारूंगा। ये लो ये लो ये लो बंदर, चलो कैसर फटाफट जाते हैं। और ये क्या, अरे ये बंदर तो इधर आ रहे, अरे ये बंदर ने तो मुझे देख लिया, अरे क्या करूँ क्या करूँ, ये ले पत्थर का, ये ले पत्थर का, अरे मर जा मर जा मर जा, अरे कैसर ये तो बहुत ही खतरनाक है, भागो, ये बंदर तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, इनको मैंने मार दिया। तो कैसर मैं बच गया, मैंने सोचा मुझे खा जाएंगे ये बंदर, तो सही है बहुत ही खतरनाक है, पर मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास एक खतरनाक सा पत्थर है जिससे मैं ये सारे के सारे बंदरों को मार सकता हूँ। ये लो बंदर कैच करो, अबे तू क्या देख रहा है, तू भी ये ले, तू क्या देख रहा है, तू भी खा। तो कैसर इन सारे के सारे बंदरों को मैं ऐसे ही मारने वाला हूँ ताकि मैं उस लीवर को चालू कर पाए, फटाफट से इनको मारते हैं। ये ले तू भी कैच कर, अरे यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बंदर है, तो कैसर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बंदर है, इसलिए मैं यहाँ पर ये स्मोक बॉम्ब फेंकने वाला हूँ ताकि बंदर अपने आप इधर उधर भागने लग जाएंगे। और थोड़ी सी आग भी लगा देती हूँ कि आग देख के बंदर डरते हैं, तो वो आग देख के यहाँ से भागने लग जाएंगे। भागो बंदरों भागो, बाकी के सारे बंदरों को हम पत्थर मार मार के भगाएंगे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, भागो यहाँ से, छोड़ दो ये लॉस सेंटोस, छोड़ दो जगह को। तो कैसर अभी मैं यहाँ पर आ चुका, फटाफट से लीवर को चालू कर देते हैं, ये चालू हो जा। अरे बहुत बढ़िया, हमारी मशीनें चालू हो गई, सारी मिट्टी बनाना चालू करो ये। तो कैसर अभी मैंने मशीन तो यहाँ पर चालू कर दी है, पर ये बहुत सारे बंदर मेरे पीछे पड़ गए, अरे ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जल्दी भागो, ये तो बहुत ही खतरनाक है, अरे कहाँ जाओ, ये सारे के सारे बंदर मेरे पीछे पीछे आ रहे, और इनको तो सीढ़ियां भी चढ़ना आती है, पहले हम भी तो बंदर ही थे, इसलिए इन बंदरों को सब कुछ आता, मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ उधर जाता हूँ, यहाँ से कूद जाते हैं, बचाओ, बच के भागो 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 भागो, जल्दी चढ़ जाते ऊपर, इधर ऊपर नहीं आ पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, मुझे नहीं लगता ये आ पाएंगे, यस ये बंदर ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, ये सीढ़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं चढ़ पाएंगे, और लगता है ये मुझे देख भी नहीं पा रहे। और कैसर मैं ऊपर ही जाता जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर जाके सीढ़ियाँ खत्म होगी, पर बंदर से हम बच चुके हैं। और ये क्या, ये बंदर तो चढ़ने लग गया, अरे ये बंदर का बच्चा कैसे चढ़ने लग गया, अरे ये सिर्फ एक ही बंदर है जो कि ऊपर चढ़ पा रहा है, अरे नहीं ये तो सब चढ़ने लग गए, रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है, 3 2 1 बूम, ये लो, अबे तू कैसे ऊपर आ गया, निकल यहाँ से। तो गाइस अभी हमने सबको यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, और भी बहुत सारे बंदर आ रहे, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, बचाओ। और कैसर हम यहाँ से निकल चुके अपने खतरनाक से पैराशूट पे, और हम आ गए, अंकल मैंने अपना काम कर दिया, उस लीवर को चालू कर दिया और सारे बंदर को भी भगा दिया। अरे भैया बहुत बढ़िया, बस 2 मिनट रुको, मैं आपके सारे के सारे ट्रक भर के देते हैं। याद है ना, 3 ट्रक में से 1 फ्री दोगे? हाँ भैया फ्री देंगे, फ्री 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 फ्री। तो कैसर जब तक ये सारे की सही ट्रक भरती है मिट्टी से, आप बड़ा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कैसर आप देख सकते मशीनें पूरी चालू हो चुकी है, जल्दी से ये ट्रक भरती है, फिर हम चलेंगे अपने घर पर ये सारी मिट्टी लेके। तो कैसर अभी आप देख सकते तीनों के तीनों ट्रक पूरी की पूरी भर चुकी है मिट्टी से, और इसको हम लेके जाने वाले अपने घर पर। पेमेंट हमने कर दी है वो भी 2 ट्रक की, और 1 ट्रक हमें फ्री मिली है। चलो फटाफट से इसको लेके यहाँ से चलते, और बाकी के ड्राइवर भी हमारे पीछे पीछे आने वाले, सीधा अपने घर पे चलते सारी की सारी मिट्टी लेके। तो गाइजर आयरन मैन का हमने 2-2 काम कर दिए, लकड़ियां लगा दे दी, मिट्टी भी लगा दे दी, बस अब और कुछ काम ना बोले, हमारे घर को जल्दी से ठीक करते। और गाइजर इसके बाद हम शिनचैन को भी लेने जाएंगे, मुझे लगता है शिनचैन का भी इलाज हो चुका होगा, और शिनचैन को हम सरप्राइज करने वाले एक नई बाइक से, क्योंकि गाइजर अभी हमारे पास पैसे बचे एक नई बाइक खरीदने के लिए, तो एक बाइक खरीदेंगे, फिर चलेंगे शिनचैन के पास, उसको सरप्राइज देंगे, और फिर वो सारे के सारे एवेंजर्स मुझे सरप्राइज करने वाले हमारे नए घर से, देखते हमारे घर को वो कितना अपग्रेड वाले, कैसा करने वाले। चलो बराबर से घर पे चलते हैं। तो कैसर अभी अपने घर पर पहुंच चुके हैं, और कैसर मुझे लगता है इनका काम बस, यार देखो धुआं यहाँ पे बंद हो चुका है, आग यहाँ पर बंद हो गई है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पर एक सेकंड, ये वोंडा यहाँ पर डांस क्यों कर रही है? अरे तुम काम कर रहे हो, वोंडा को डांस करवा रहे हो? अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए, अरे वो थोड़ा सा बोर हो रहे थे, इसलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए इसको डांस करा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट, मेरे घर को जल्दी जल्दी अपग्रेड करो। और ये लो तुम्हारी 3 ट्रक भर के मिट्टी आ चुकी है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, और तो कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए, अब तुम यहाँ से जाओ। अरे मुझे अपने घर को देखने दो। नहीं तुम अपने घर को नहीं दे सकते, हम तुम्हें आखिर में सरप्राइज देंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है चलो गाइस यहाँ पे चलते। अरे वो वांडा डांस करना बंद कर, काम करना शुरू कर। तो गाइस मिट्टी हमने दे दी, लकड़ी हमने दे दी और ये हमें सरप्राइज देने वाले आखिर में। तो चलो बढ़ावा चलते शिनचैन को लेके आते हैं और साथ में अपने लिए नई नई बाइक भी लेके आते हैं। सबसे पहले बाइक खरीदेंगे, फिर शिनचैन को सरप्राइज देंगे, फिर शिनचैन और मुझे एवेंजर सरप्राइज देंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं साइमन के पास खतरनाक सी बाइक खरीदने और उसके पास लगता है बाइक्स का नया कलेक्शन आ चुका है। और साइमन भाई क्या ले, जल्दी जल्दी अपना काम करके ऐसे निकल, फालतू टाइम नहीं मेरे पास। तो ये साइमन भी ना पूरा टाइम यार रोता ही रहता है यार, जब देखो जब यार लड़ाई के मूड में रहता है। तो गाइस ये गाड़ी यार मस्ती लग रही है, एक हार्ले डेविडसन जैसी लग रही है और ये अच्छी नहीं है ये वाली तो, और ये तो कुछ अलग ही लग रही है। अरे ये कौन सी गाड़ी है? अरे ये गाड़ी उड़ती है। उड़ती है, ये तो बहुत खतरनाक है। कितने की ये? 5 मिलियन की। छोड़ो नीचे, ये वाली भी कुछ खतरनाक लग रही है, पर इसमें सिर्फ एक ही सीट है, शिनचैन को कहां बिठाऊंगा। और ये कुछ खतरनाक लग रही है, इसका टायर देखो कितना ज्यादा लंबा, ये बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, इसका टायर भी बहुत ही मोटा है। और ये क्या, अबे ये क्या चीज है, ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके ऊपर डायमंड लगे हुए। अरे साइमन ये कितने की है? अरे तो खरीद तो वैसे भी नहीं सकता, पर इसकी बजट $4 लाख की है। 4 लाख? अरे ये तो बिल्कुल सेम मेरा बजट है, मैं यही वाली गाड़ी खरीदूंगा। क्या सही में? हाँ सही में। वैसे हर बार तो सिर्फ पूछने आते, इस बार तो खरीदने। अरे हाँ मैं खरीदने आया, फटाफट से मुझे ये पैक कर दे। अरे क्या लॉरी पॉप खरीद रहे जो पैक कर दूं? ले जा चाहिए तो। चलो गाइस फटाफट साइमन को करते पेमेंट और वो खतरनाक सी बाइक खरीद लेते हैं। तो गाइस 4 लाख की पेमेंट हमने कर दी है और गाइस हमें एक खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है। आप देख सकते हो इसके ऊपर से लाल लाइट भी चल रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर डायमंड लगे हुए कहीं पे लाल कलर की, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस फटाफट से शिनचैन को लेने चलते हैं और थोड़ा सा गलत जगह पर आ चुके हैं, शिनचैन का हॉस्पिटल पीछे है। चलो फटाफट शिनचैन को हॉस्पिटल से लेते हैं और उसको हम सरप्राइज करेंगे अपनी नई नई बाइक से और फिर हम चलेंगे अपने नया नया घर देखने। शिनचैन आ रहा हूं मैं। तो गाइस मैं अपनी बाइक को बिल्कुल यहां पर खड़े करने वाला हूं, जैसे शिनचैन आएगा वो सरप्राइज हो जाएगा। अरे मैं हॉस्पिटल पे कैसे आ गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ था मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल पे कैसे आ गया? बाय बाय अंकल मैं जा रहा हूं। अरे फेंकी भैया मैं आ गया। शिनचैन तू ठीक हो गया? अरे वेकी मेरे साथ क्या हुआ था? अरे शिनचैन वो तो बहुत ही लंबी कहानी है, पर ये देख मैंने नई नई बाइक खरीदी। अरे क्या नई नई बाइक, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। अरे वेकी मेरी गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ शिनचैन ये बाइक सिर्फ मैंने तेरे लिए खरीदी है। क्या मेरे लिए? चलो मैं जा रहा हूं भाई। अरे अरे रुक जा। अरे मतलब हमारे लिए खरीदी, तेरे को सरप्राइज करने के लिए खरीदी है। अरे वेकी मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रही है गाड़ी। हाँ शिनचैन ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने इसको पूरा $4 लाख में खरीदा है। क्या 4 लाख? ये तो बहुत ही महंगी है। हाँ शिनचैन महंगी, पर मेरे पैसे नहीं थे, आयरन मैन के पैसे थे। अरे बेकी भाई पैसे आयरन मैन के कैसे थे? शिनचैन मैं तुझे बताता हूँ तेरे साथ क्या हुआ था। आयरन मैन और हल्क आपस में लड़ाई कर रहे थे, फिर एकदम से वो हमारे घर के ऊपर आगे लड़ाई करने लग गए, फिर बहुत सारी मिसाइल्स हमारे घर पे उन्होंने गिरा दी, तो हमारा घर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया और तू भी वहां पे बेहोश हो गया था और तेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद आयरन मैन ने बोला वो हमारे घर को पूरा का पूरा ठीक करेगा और उसने मुझे $1 मिलियन दिए ताकि मैं तेरा इलाज करा पाऊं, और तेरा इलाज तो $1 लाख में ही हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी लकड़ियां खरीदी, मिट्टी खरीदी, उसके बाद मुझे पैसे बचे थे तो मैंने ये बाइक खरीद ली। अरे वेकी में मेरे घर का क्या होगा? शिनचैन हमारा घर है पूरा का पूरा उन्होंने ठीक कर दिया है, अब उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो गाइजर अभी हम जाने वाले अपने घर पे, देखते हैं आयरन मैन ने हमारे घर को कैसा अपग्रेड किया है, क्या वो पहले से खतरनाक हुआ है या फिर पहले से खराब। चलो बड़ा फट देते देखते हमारे नया नए घर को, क्या शिनचैन तू तैयार है? अरे वेकी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ अपने नए घर को देखने के लिए, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइजर 10 तक गिनती गिनो, हम पहुँचने वाले अपने नए नए घर पे, देखते हैं कैसा हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइजर अभी हम अपने घर पे तो आ चुके हैं, पर ये ऊपर कौन सा ब्रिज बना दिया है और इतनी सारी सिक्योरिटी, अबे इतने सारे सिक्योरिटी यहाँ पे कैसा गई, ये तो बहुत ही सारे लोग लगता है अंदर जाने का रास्ता ऊपर से मतलब कुछ तो बनाया है इन्होंने ऊपर, और ये क्या पूरा का पूरा गैराज बना दिया है यहाँ पर। तो चलो गाइजर फटाफट से चलते हैं, हमारा घर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप देख सकते हो ऊपर इतनी सारी गाड़ियां, हमारे छत को पूरा का पूरा गैराज बना दिया। और आयरन मैन क्या हाल है? अरे फ्रैंकलिन कैसे
कैसा लगे तुम्हारा घर? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। वैसे मैंने पूरा देखा नहीं है, पर अभी से ही मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पूरी की पूरी छत को इन्होंने गैराज बना दिया है और कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है और इतनी सारी सिक्योरिटी भी यहाँ पर। चलो गाइस फटाफट से मेन गेट से जाते हैं ताकि हम पूरा देख पाए। और ये क्या, यहाँ पर सीढ़ियां भी लग चुकी है। यहाँ पर पहले सिर्फ एक डस्टबिन होता था, मैं उसके ऊपर से चढ़ के जाता था, पर यहाँ पर हमारी सीढ़ियां लग चुकी है। और गाइस आप देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, इतनी सारी सिक्योरिटी। सबसे पहले घर के अंदर देखते हैं क्या चेंज हुआ है। और ये क्या पूरा का पूरा भी एरिया चेंज कर दिया है, ये नई नई बड़ी बड़ी टीवी। और ये क्या पूरा का पूरा घर ही खाली कर दिया इन्होंने तो मेरा। मैंने सोचा था कुछ किया होगा इन्होंने, पूरा का पूरा घर खाली कर दिया अंदर से तो। पर नीचे आप देख सकते हो पूरा का पूरा पार्टी एरिया यहाँ पर बन चुका है। इतने सारे सोफा, इतने सारे लोग, खाने पीने का सामान, यहाँ पे अलग से टीवी, और यार हमारा खुद का प्राइवेट बाथटब। मतलब ये प्राइवेट नहीं रहा इतने सारे लोगों के बीच में। और यहाँ पे अंकल खाना बना रहे, इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे अंदर कितनी सारी बाइक्स भी खड़ी हैं। और यहाँ पे पूल टेबल है, यहाँ पे स्विमिंग पूल हमारा खतरनाक सा, यहाँ पे एक और खतरनाक सा पार्टी रूम। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग आराम से बैठ के टीवी देख सकते, स्पीकर में गाने बज सकते, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये अंकल भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना बना रहे हैं। हमारे घर में बहुत ही खतरनाक पार्टी होने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हो सबके सब लोग यार पूल में हमारे मजे कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। एक सेकंड, अरे ये मेरे बेड पे कौन लेटा हुआ है? ए उठ जा यार, ये मेरे बेड पे क्यों सो रही है? और यहाँ पे एक नया टीवी भी लग चुका है, हमारे घर में नया नया टीवी आ चुका है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो, आयरन मैन ने जो हमारे लिए नया नया घर बनाया कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। सारी की सारी चीजें हमारी अपग्रेड हो चुकी है, इतने सारे लोग हमारे पार्टी करने आ चुके हैं, हमारे बाइक का कलेक्शन हो चुका है, गेम्स, टीवीज, पता नहीं क्या क्या आ चुका है, और सबसे बड़ी बात हमारा खुद का कार कलेक्शन। ये चीज सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी। हमारा कार कलेक्शन बहुत खतरनाक हो चुका है। हमारे पास एक रोल्स रॉयस भी है खतरनाक सी, और ये भी खतरनाक सी कोई गाड़ी जो की मुझे सबसे अच्छी लगी। चलो फटाफट को इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। तो कहा सर फटाफट से कमेंट करके बताना हमारा नया नया घर आपको कैसा लगा। आयरन मैन ने पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय करा था, पर उसके बाद इतना ज्यादा अच्छा घर हमारा बना दिया है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो कहा सर आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना इस लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, वहां बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।